देश विदेश के लोग जानेंगे सांवलिया सेठ की महिमा। वाटर लेजर शो करेगा गुणगान सांवलिया सेठ का। सांवलिया सेठ की महिमा से अब देश विदेश के पर्यटक भी रूबरू होंगे। केंद्र सरकार की अध्यात्म सर्किट योजना के तहत चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित सांवलिया जी मंदिर अर्थात मंडफिया में 18 करोड़ की लागत से वाटर लेजर शो का लोकार्पण हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर से वाटर लेजर शो का वर्चुअल लोकार्पण किया। समारोह के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी ने कहा कि इस शो के माध्यम से देश के लोग सांवलिया सेठ की महिमा को जान पाएंगे। पहले एक जमाना था तब सांवलिया जी से पैसा सरकार के पास जाता था, लेकिन पहली सरकार होगी जिसने 18 करोड़ रुपए वाटर लेजर शो और अन्य सुविधाओं के लिए स्वीकृत करवाए हैं। 18 करोड़ रुपए की लागत से आध्यात्मिक सर्किट में स्पिरिचुअल सर्किट में भारत सरकार ने सांवरिया जी में लेजर शो वाटर लेजर शो सैंक्शन किया। इसके अलावा कैफेटेरिया म्यूजियम और कई चीज़ें यात्री सुविधाओं के लिए यहां स्वीकृत हुई है। मैं सोचता हूं कि पहले जमाना था तब सांवरिया जी से सरकारों के पास पैसा जाता था, कि पहली मोदी सरकार होगी जिन्होंने 18 करोड़ रुपए यहाँ के डेवलपमेंट के लिए और वाटर लेजर शो के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए स्वीकृत किए हैं। इस वाटर लेजर शो से निश्चित रूप से जो यात्री दूर दराज से आते हैं, देश भर से आते हैं, मेवाड़ से, वागड़ से, काठल से, हाड़ोती से, अब तो गुजरात और देश भर के अनेक स्थानों से आते हैं, ऐसे में दर्शन के साथ उनको वाटर लेजर शो का और भी कई यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी करने का एक अच्छा म्यूजियम और बाकी सारी चीजें देखने को मिल सकेगी। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।